हेलो एवरीबॉडी, कैसे सब लोग यार। वेक्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं आज इन 100 मिनट्स बिगिनर्स कोर्स, जिसके अंदर इफ यू आर डूइंग दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आप सिंपली रिवाइज करना चाहते हो तो बिल्कुल बेसिक्स फाउंडेशन से इसको ऊपर लेके जाने वाले हैं। सभी के सभी बच्चे एक बार ही लिख दें द चैट सेक्शन, लेट द मैजिक बिगिन। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आर 21 डेज 21 चैप्टर सीरीज, जहाँ पे हम सारे के सारे चैप्टर्स को बिल्कुल बेसिक लेवल उसका फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पे क्लिक करके या इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एंड लेट मी शो यू, इसके बाद बच्चे पूछते हैं क्या करें, क्योंकि ये तो फाउंडेशन है, आपके बेसिक्स फंडे क्लियर करता है। उसके बाद यू कैन रेफर टू tinyurl.com/jeewithnehamam, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ अपने कंप्लीट PYQs, ठीक है, कि टारगेटेड सेशंस तुम्हें मिल जाएंगे, एनटी और सेंगेज बुक के सवाल सॉल्व मिल जाएंगे। मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोज टू प्रेप अप, एंड धीमे धीमे आपको सेम PDF में एडवांस के सेशंस भी मिलते हैं। एंड बिगिनर्स सीरीज के सारे DPPs सेशन के बाद अवेलेबल करवा दिए जाते हैं इन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड। अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे के सारे बच्चे हमारे लाइक कर दे फटाफट से गाइस। तो ये सब आज करने वाले हैं। एक चीज मुझे बताओ यार, मैं लाइफ में हमेशा बोलती हूँ यार, आपने जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है, सिर्फ मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन में मेहनत इज हाइपर इम्पॉर्टेंट। तो सेम वे इट इज नॉट ओनली अबाउट कि यार मुझे जेई के लिए लग से प्रिपेयर करना है, तो बस मैं मेहनत करे जा रही हूँ, वो किस डायरेक्शन किस दिशा में जा रहे हैं वो पता नहीं। तो दैट इज वाई वी से बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखने वाले हो 100 मिनट्स बेसिक्स क्या वेक्टर्स डन। चलिए अमेजिंग स्टार्ट करते हैं। ऑसम, यहाँ पे दिखा दे जी, आपके जेई के पेपर में भी बिल्कुल तगड़ा बोल बाला होता है। यहाँ से आप एक से दो सवाल आराम से एक्सपेक्ट करते हो इस चैप्टर से, एंड इट इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर 3D ज्योमेट्री ऑल्सो। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कल आपका अगला सेशन होने वाला है विच विल बी रिलीज सून। चलो तो सबसे पहले तो सिंपल सी चीज, एक स्केलर क्या है, एक वेक्टर का है। मैंने आपको बोला कि यार आप ना ऐसा है 10 किलोमीटर चलो, ठीक है, 10 किलोमीटर अपना या 1 किलोमीटर सामने चलो। अरे भाई मैंने आपको डायरेक्शन तो बताया ही नहीं, सिर्फ बोला 1 किलोमीटर चलो। अब आप क्या करोगे, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, समझ रहे हो। यानी व्हेन आई एम ओनली गिविंग यू अ क्वांटिटी You are just a scalar, in short only magnitude, या फिर आप कह सकते हो only length, ठीक है, in short only quantity, आप उसे scalar कहते हो सकता है आपने ये चीज़ पहले भी करी हो, और 11th की physics में तो ये वैसे ही होती है, ठीक है। Example mass, length, किसी चीज़ का temperature, इसमें direction important है ही नहीं, correct? सबके सब attendance लगाते चलिए। चलो vector की बात करूँ तो जिसके पास direction भी है और कितना चलना है वो भी पता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ यार 10 किलोमीटर तुमने जाना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ से खड़े हो, ये हुई ना बात। जैसे मैं आपको बोलती हूँ जेई को फोड़ना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये फाउंडेशन, ये बेसिक कोर्स करना है, उसके बाद आपने अलग लेवल पे जाके थ्योरी और फिर उसका PYQs लगाने हैं और फिर आगे आगे बढ़ना है। सो आई एम गिविंग यू अ डायरेक्शन अलॉन्ग विद द क्वांटिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ूं, पहले मुझे यहाँ पे बताने वाले हो आपके अकॉर्डिंगली पहला वाला वेक्टर है कि स्केलर है। फटाफट से V या S लिख दो इन द चैट सेक्शन, लेट मी सी फटाफट से। और जितने बच्चे पहुँच चुके हैं अभी अटेंडेंस नहीं लगी, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, ये तो तीनों ही मेरे हिसाब से स्केलर हैं यार। ये आपको बता थोड़ी ना रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब ही है कि वो आपको बता रहा है कि एक स्पीड में चल रहे हो लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट बोले तो यार मैंने आपको बोला कि आप ए से, ठीक है, आपने पहुंचना सी पे है, अब आप बी पे चले फिर आप सी पे चले, करेक्ट। तो मैंने आपको बोला तो ये ए बी प्लस बी सी
तो इसका एक्चुअली क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते थे डायरेक्शनली, अगर आपको पता हो. दिस इज आपका वेक्टर क्वांटिटी, है ना. झटपट ये चीज़ करते जाओ ताकि आगे हम बढ़ जाए. वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, मोमेंटम. देखो वर्क को जब आप कहते हो क्या होता है, ये काम करना है. स्केलर बोल सकते हैं कि वेक्टर, यहाँ मोमेंटम तो आपको पता ही है यार वेक्टर है, यहाँ स्केलर. अच्छा इलेक्ट्रिक करंट मुझे बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट मुझे बताओ क्या होगा. काफी हद तक बच्चों का जवाब ना इसमें वेक्टर आता है, लेकिन लेट मी टेल यू बेटा जी गुगली है. इलेक्ट्रिक करंट ना स्केलर है. अब वैसे बता दूं ये एक अलग से आप कह लो एक बेसिकली क्या कहते हैं उसे, जैसे आपका जो केमिस्ट्री में भी होता है ना कि एक ऐसा केस है जो नॉर्मल सिनारियों के साथ वर्क नहीं करता. इन शॉर्ट भैया करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो आपको पता है कि भैया कितने वोल्ट का पास कर रहा है और किस डायरेक्शन में पास कर रहा है, लेकिन ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता. तो ये एक एक्सेप्शन, वर्ड ही नहीं याद आ रहा था, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक जंक्शन पे करंट आए तो दोनों ऐड हो जाते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बनाते हैं. बढ़िया, बड़े ज्ञान की बात हो गई. अब यहाँ पे अपने मैथ पे वापस आते हैं, तो सुनो ध्यान से. अच्छा राइट, सुनो ध्यान से. वेक्टर क्वांटिटी को यार आप कैपिटल लिखो, स्मॉल अल्फाबेट लिखो, कुछ भी लिखो, आप ऊपर ऐसे लेफ्ट टू राइट एरो डिनोट करते हो, है ना. बहुत बेसिक बात हो गई बट समझना जरूरी है स्केलर के लिए. अब या तो बिना किसी एरो के लिखते हो या फिर ऐसे मॉड के साइन या एब्सोल्यूट साइन के अंदर लिखते हो. समझ में आ रही है ये बात. ऑल्सो मैंने कहा यार एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर ए बी, ठीक है. तो आपने डिनोट कैसे किया, ए बी. अब मैंने आपको बोला नहीं यार इसका डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया और मैं बोल रही हूँ ये बी ए पे जा रहा है, तो क्या इसका मतलब है मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस या नो इन द चैट सेक्शन. जल्दी से यस या नो लिख दिया जाए. चलो यस या नो लिख दिया जाए इस बात पे. बिल्कुल सही, ये गलत है क्योंकि आपका वेक्टर साइन हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है, तो आप ऐसे लिखोगे. ठीक है, ठीक है, यस. तो यहां पे बेसिकली जहां से शुरू एंड जहां पे खत्म, अगर आपने शुरू कहीं और से करना है तो इनकी पोजीशन चेंज कर दो, वेक्टर तो लेफ्ट से राइट ही चलेगा. सही बात है, ये हुई ना बात बच्चों, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यार कहीं भी स्पेस में तुम बोल रहे हो वेक्टर. अच्छा वेक्टर का ना एक और नाम भी होता है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है ये ऐसे रे की तरह बना दिया, है ना, ये ऐसे रे की तरह बना दिया तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है. नहीं यार, एक इसका फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी होता है. जैसे मैंने बोला आपको 10 किलोमीटर एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हो. तो इसको ना कई लोग समझने के लिए बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. समझ रहा है ना विनोद, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन तो भैया चलती जाती है, तो डायरेक्शन दिया हुआ है किसी लाइन सेगमेंट को. इसको इसकी पूंछ कहते हैं, इसको इसका हेड कहते हैं, जहां पे एरो आता है. करेक्ट, थीटा क्या है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो मैं धीरे धीरे करके आऊंगी, उस पर टेंशन मत लो. सिंबॉलिकली हमने बता दिया है कि इसे ऐसे लिखते हो, है ना. अच्छा अब कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से कनेक्ट कर लेते हैं, जहां कुछ ना समझ में आए ना पता देना रुक के, एंड लाइक करते जाना, जैसे कि बच्चे यहाँ पे बड़े प्यार से लिख रहे हैं क्योंकि वही इस कोर्स की फीस है. अच्छा जीरो वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है और कोई डायरेक्शन भी नहीं है. डिनोट इसको ऐसे करोगे, बेसिकली ये बिल्कुल पॉइंट है, समझ लो, ना कोई मैग्नीट्यूड ना कोई डायरेक्शन है इसका, पता नहीं है क्या, क्यों है यहाँ पे इस दुनिया में. नेक्स्ट आ रहा है आपका, ओ हो हो हो, इसके ऊपर तो चांद और सितारे दोनों बना लेना. यूनिट वेक्टर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, छोटी सी है लेकिन आफत मचा रखी है, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में भी ये बहुत तगड़ी चीज़ तुम्हें देता है. देखो सुनने में बड़ा आसान है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 यूनिट, ठीक है भैया, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, राइट. समझ में आई ये चीज़.
तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर जैसे कोई वेक्टर अलोंग ये है, अगर आपका कोई वेक्टर दे रखा है, मैंने बोला उसका यूनिट बनाओ, तो आप सिर पे उसके टोपी पहना देते हो, टिंग, सिर पे उसके टोपी पहना देते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपका ऐसा सिस्टम बनाऊँ ये एक्स वाई जेड का, ठीक है, ऐसे लिख रखा है एक्स वाई और जेड। तो यूनिट वेक्टर जो एक्स के अराउंड है उसको हम आई कैप बोलते हैं, जो y के अलोंग है उसे हम j कैप बोलते हैं, एंड जो z के अलोंग है उसे k कैप बोलते हैं। और ऐसा करने के बाद हम एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, यस और नो? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चा अभी तक? सो फार सो गुड। तो यार मैं अभी निकलवाऊंगी तुमसे यूनिट वेक्टर भी बहुत जल्दी, यानी कि कोई वेक्टर मैंने दे रखा है वेक्टर ए भी, आपने उसका चेक करना होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अभी उस पर आ रही हूँ। एंड जो वेक्टर बनेगा यूनिट वेक्टर उसके सिर पे आप टोपी पहना दोगे, ठीक बात? चलो, को इनिशियल यानी सेम पॉइंट से शुरू, को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से शुरू, टू और मोर ऐसे भी हो सकता है, सारे के सारे वेक्टर सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। अगर इसके साथ मैं बोल देती को टर्मिनल, तो सारे के सारे आओ चाहे कहीं से पहुंचोगे तुम यहीं पे, ठीक है, फाइनल पॉइंट पे, समझ आ रहा है? तो इसको को टर्मिनल बोलते हो, ये भाषा समझ लो। तुम्हारे क्वेश्चन में ये लिखा होता है और कई बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई इनिशियल क्या होता है यार, नाम में ही काम है, सेम पॉइंट से शुरुआत है ना। चलो आगे बढ़ूँ मैं, कोलीनियर, जैसे आपके कोलीनियर पॉइंट्स होते हैं ना, क्या बोलते हो कोलीनियर पॉइंट्स, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स जो सेम ही लाइन पर हो, करेक्ट, यही होता है ना कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर वेक्टर क्या होता है इसको समझो, टू और मोर वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम और पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। अयो नेहा मैम, अब ये क्या है लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी दोस्तों। ये लाइन है, लाइन मतलब दोनों दिशाओं में एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ से मैंने एक वेक्टर उठाया, यार वेक्टर तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मान लो यहाँ ए से लेके बी तक जा रहा है। अब ऐसे वेक्टर्स जो या तो सेम ही लाइन में से उग रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ आ गया, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, या तो सेम ही इस लाइन को बोलोगे लाइन ऑफ सपोर्ट, इसी में से निकल रहे हैं, या फिर एक और लाइन है आपके सामने जो इसके पैरेलल है, इसके अंदर से निकल रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई है? तो ऑन द एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट या पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट, आई होप ये चीज हमको चमक गई है, एक बारी हार्ट तो बना दो। इक्वल वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर कब बुलाते हो, जब दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे कि ऐसे मैंने बोला आप 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चलो, दोनों को सेम बोला, ऐसा हो सकता है कि दोनों आगे पीछे हो, कि एक यहाँ से आ रहा है एक पीछे से चल के आ रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इक्वल क्वांटिटी चल रहे हैं, समझे? टंग 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 टंग। नेगेटिव वेक्टर क्या ही होगा, नेगेटिव वेक्टर मुझे बताओ, बताओ, वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बोला आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, वो वेक्टर ए बी है, तो होम से स्कूल, लेकिन जब मैंने बोला आप स्कूल से होम जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही चल रहे हो, है ना, कि मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो यानी मैं एक तरीके से ये कह सकती हूँ कि जो हमारा जो एस एच वेक्टर होगा वो एच एस वेक्टर के नेगेटिव होगा, समझे एवरीबडी, समझे? यस और नो? एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। वो अलग बात है कि तुम कभी स्कूल से सीधा घर नहीं आते, मुझे भी बताइए ये बात, लेकिन हम ऐसा हाइपोथेटिकली वी आर रिज्यूमिंग, ओके। चलो एक सवाल लगा के दिखाओ, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, एंड उन्होंने दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। मैंने ये वेक्टर को लिखा कैसे? पहले तो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो ख्याल क्या है, ख्याल को समझो। मान लो ये कहीं स्पेस में एक वेक्टर है, लेट्स से जिसके पॉइंट्स है एक्स वाई जेड। मैंने क्या किया, मैंने ये एक्सिस ड्रॉ करी, एंड
कैसे डिनोट किया? बेसिकली एक जो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर OP है, इसको मैंने जैसे आप कंपोनेंट में तोड़ते हो ना फिजिक्स में, वैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, ये जो आपका डिस्टेंस है ये एक्स हो गया, है ना। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या चाहिए? वेक्टर बोलता है कि मेरे पास स्केलर है, मेरे पास क्वांटिटी है और मेरे पास आई कैप है, तो फिर और क्या चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपने यहाँ पे ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस y है एंड वेक्टर y j कैप है। मान लो यार यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया z एक्सिस पे, डिस्टेंस z है एंड ये k कैप है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, है ना जी। चलिए अभी आपस में बराबर है का क्या मतलब है? हर एक कंपोनेंट बराबर है, 3 और 3 बराबर है, -2 और -2 बराबर है, A3 क्या हो जाएगा? 1। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन बता रही हूँ कैसे होती है, समझे? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स विद सेम डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड कुछ भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, समझ रहे हो? यानी कि आज आपने कितने चैप्टर कवर करे, ठीक है, आज 2 करे अच्छे से करे, कल 3 करे अच्छे से करे, यानी आप डायरेक्शनली तो सही जा रहे हो। हाँ, मैग्नीट्यूड हर एक बच्चे का अलग हो सकता है, तो दे आर लाइक वेक्टर्स। अनलाइक बोले तो टू और मोर वेक्टर्स विद डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की तो हमने बात ही नहीं करी थी, यानी मैग्नीट्यूड भी वो और डायरेक्शन भी कहीं इधर उधर, ठीक है, समझे एवरीवन। चलो तो ये आपको एक समराइज करके मैंने थोड़ा सा सारी चीज़ें दिखा दी, अब कोई इनिशियल मन रहे जितने मर्जी हो सकते हैं यहाँ से भी। चलो बेटा छोटी छोटी समझोगे चीज़ें तो ही तो आगे बढ़ोगे ना लाइफ में। आप अगर ये 70-75 मिनट इस सेशन में इन्वेस्ट करते हो, आप काफ़ी तगड़े सवाल एंड तक कर रहे होगे, ठीक है। एंड उसके आगे आप जेई लेवल के सवाल लगाना चाहते हो तो tinyurl.com/jeeiwithneha में चैप्टर वाइज सब मिल जाएगा। ऑल राइट, पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर मतलब वेक्टर की पोजिशन स्पेस में। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, हमने कहीं भी जाना होता है, तुमने तुम्हारे दोस्त के घर जाना है, तुमने तुम्हारे दोस्तनी के घर जाना है, इंजॉर्ड कहीं भी जाने का है तुम्हें, तुम अपने घर को रेफरेंस पॉइंट लेते हो, तुम बोलते हो हाँ भाई मेरे घर से कितना दूर है, समझ रहे हो? तो ये आपका घर है, इसको रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, विच नॉर्मली वी टेक एज ओरिजिन, ये हमारा घर है। अब हमारे घर से ये वेक्टर कितना दूर है, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना दूर है, वो उसकी पोजीशन डिफाइन करता है। तो मेरा वेक्टर अगर यहाँ पड़ा है उसको मैं लिखती हूँ वेक्टर OP। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे यहाँ पे, एक मिनट में आती हूँ मैं, चलो यहीं पे समझा देती हूँ कि मैंने बोला मेरे पास ना एक वेक्टर ये हवा में लटका हुआ वेक्टर AB है। तो यहाँ तो मैंने सिर्फ एक की बात करी थी, ये वेक्टर AB है, इसको क्या करोगे? घर से तुमने पूरा वेक्टर क्रिएट करना है, तो तुम देखोगे कि भैया मेरे घर से ये कितना दूर है, मेरे घर से ये कितना दूर है। एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने पोजिशन वेक्टर AB का लिखना है तो याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल, यस और नो इन द चटम बॉक्स, अरे लिख दो ना। फाइनल मतलब OB, इनिशियल मतलब OA। इस चीज को याद कर लो, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि ओ हो छोड़ ही नहीं सकते तुम तो, ठीक है, यस और नो? चलिए सुपर्ब। ओके, कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको सिखा दिया, कोई भी वेक्टर OP है, ये आपको XYZ दे रखा है, तो आप जैसे इस पर ड्रॉप करते हो, ये डिस्टेंस को मान लो आपने X ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस डिस्टेंस को मान लो आपने Y ले लिया, उसी प्रकार से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Z एक्सिस पे, एंड ये डिस्टेंस आपने Z ले लिया, ठीक है। अब इन्हीं के साथ आपको कॉम्पोनेंट अगर लिखने हैं, स्केलर कॉम्पोनेंट मतलब कितना मैग्नीट्यूड या कितना डिस्टेंस है, और वेक्टर मतलब एक्स के साथ आई कैप लगा दो, वाई के साथ जे कैप एंड इसके साथ के कैप। आई होप ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, लाइक नहीं बढ़ रहे, मैं नहीं खेल रही,
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप कहते हो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर से, ठीक है, अभी तक तो हमने बताया कि यार वेक्टर कहाँ पहुँचा है, लेकिन भैया एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है। तो किसी भी वेक्टर का, लेट से देर इज दिस पॉइंट पी इन 3D सिस्टम, ओपी आर मतलब ये वेक्टर ओपी जो है ये आपका ऑब्वियसली हमने कहा पोजिशन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये एक्स वाई जेड है ओरिजिन तो 0 0 0 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक वाला हम सबको आता है। अरे वाह तेरा क्या जाता है बेटा, आज पार्टी 20 रुपये निकले जेब से, होता है तुम्हारे साथ भी ऐसा, आज तो पार्टी है, आज चौकोबार खाएंगे, चलो ठीक है। सो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे लेते हो, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर, ठीक है, ईजी है ना, ईजी है। चलिए तो एक सवाल करिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आप कुछ नहीं दे रखा, ओरिजिन से ही लोगे हमेशा मैग्नीट्यूड, राइट, हाँ जी बताइए, होता है ना, वाह। तो अगर आप मान लो ये वेक्टर आर आपने ऐसे लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो कैसे आएगा, 7² - 3² एंड यहाँ पे 5², ठीक है, तो आप करोगे 49, 9 एंड 25, तो ये हो जाएगा आपका 34, 34 एंड 49। नम 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 नम, इन पंछियों को देख के √83 कितने बच्चों का आ गया है आंसर, काफ़ी सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, सुपर्ब यार, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइज माई आर्मी। अब वॉट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाई दीज वैक्टर्स, तो ये वैक्टर दे रखा है, ये वैक्टर दे रखा है, ये वैक्टर दे रखा है, कैसे बताएं, एंगल क्या निकालें, यस और नो, लेट मी सी कितने बच्चे इसको बता रहे हैं, बिल्कुल आपके साइड्स का लेंथ दे रखा है ये, मतलब मान लो कोई ट्रायंगल है एंड ये वेक्टर अलोंग एवरी साइड दे रखा है, जैसे पहली का आप ऐसे लिख लो, दूसरी का आप ऐसे लिख लो, ऐसा तो टेढ़ा हो जाना थोड़ा सा है ना, और ऐसे लिख लो, कितने बच्चे यहाँ पे मैं चार्ट सेक्शन में देखना चाहती हूँ बताओ मुझे, जब मैं कराती हूँ साथ साथ चीज़ें सॉल्व करते हो या सिर्फ मूवी की तरह देख रहे हो इसको, सिर्फ वीडियो को देख रहे हो या साथ साथ सॉल्व भी कर रहे हो अपनी नोटबुक में, मुझे चार्ट सेक्शन में अब भी बताओ सारे के सारे। तो अब आप हर एक का मैग्नीट्यूड ले सकते हो, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है ना इसका, तो 25, 4, 9 √38। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी 4, 9, 25, अरे तो सेम ही आ गया √38। तो यार इतना तो हो गया यार, स्केलिन तो नहीं है, आइसोसेलिस या इक्विलेटरल में होगा, एसी में भी, अरे यार तुम देखो तो सही, एक तरीके से वही चीजें आपसे पूछी गई हैं, अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है आपका, ये भी √38 होगा, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है ना, वेरी गुड, सो आज सॉल्व कर रहे हो ये जान के अच्छा लगा, ऑसम। पोजिशन वेक्टर और वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, सो इन दैट केस ये तुम्हारा घर है और यहाँ फाड़ी हो रही है, टक 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 फाड़ी हो रही है, ठीक है। अब मेरे को अगर इसका पोजिशन वेक्टर निकालना है तो मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल है जी, तो ओ बी यानी फाइनल पोजिशन वेक्टर ओ बी, मतलब हमेशा अपने घर से देखोगे ना, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये है पोजिशन वेक्टर और वेक्टर ए बी, ठीक है ना। चलो यहां पे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, अभी तक 400 लाइक नहीं किए, गंदी बात। चलो इफ पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ये, तो पोजिशन वेक्टर आपका पी का दे रखा है यानी ओ पी,
पोजिशन वेक्टर Q का दे रखा है ये, तो PQ का पोजिशन वेक्टर ऑफ PQ क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। नेहा मैम ये माइनस कैसे करते हैं? जैसे आप दो चीज़ों को माइनस करते हो ना, सब्ट्रैक्शन, तो लाइक टर्म्स को करना है, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ, है ना? बिल्कुल सही। तो ऐसे देख लो, आई प्लस टू जे माइनस के कैप, ये है टू आई प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, सब्ट्रैक्ट कीजिए ज़रा, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, यहाँ आ जाएगा प्लस जे कैप एंड ये प्लस के साथ प्लस टू के कैप, माइनस आई प्लस जे प्लस टू के। ऑप्शन ए कितने बच्चों का चमक गया, फिर से ए आया, वेरी नाइस, ठीक है जी, वेरी नाइस, ओके। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अब समझो दो की पोजीशन दे रखी हो और आपको वेक्टर क्रिएट करना है पी वन पी टू, कैसे करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल कंपोनेंट वाइज, जैसे अभी करके दिखाया, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, पर मैग्नीट्यूड लेना हो तो यार डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह ही हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इन सब कुछ स्क्वायर रूट में। यस, जरा हार्ट बिखेर दो, जरा हार्ट बिखेर दो ताकि मैं भी बोलूं, जग सारा निखर गया, हुन प्यार हवा दे विच बिखर गया। यस एवरीवन, डन डना डन, सुपर। सवाल लेते हैं फिर, वो कह रहा है इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन टू अस, ये पोजिशन वेक्टर ए और बी का दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालना है। तो आप ऐसा समझ लो, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ये दे रखा है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ये दे रखा है, एंड वेक्टर ए बी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस आई कैप, ये ध्यान से देखना, फोर माइनस माइनस टू करोगे तो सिक्स जे कैप, माइनस थ्री माइनस माइनस फोर के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे, माइनस वन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर स्क्वायर, तो सिक्सटीन और ये आ जाएगा थर्टी सिक्स एंड प्लस वन, थर्टी सेवन प्लस सिक्सटीन कितना होगा? 47, 57 और 4 माइनस कर दो, 53, रूट 53। डी फॉर डिंगो इज द आंसर। किरण, डर 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 खत्म हुआ कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो? है ना, आय हाय क्या बात है। इसी तरह से अब आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी के, तो ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, आपको वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी भी दे रखा है, लैम्डा का पता लगाओ। लेट मी सी इसे कितने बच्चे बता पाते हैं, लेट मी सी इसे कितने बच्चे बता पाते हैं। तो क्या है ना, आप ये ए लगा लो, ये बी लगा लो, ये सी लगा लो, ठीक है, वेक्टर ए बी क्या होगा? माइनस फोर माइनस माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू आई कैप, टू माइनस वन, टू माइनस माइनस वन। तो यार बहुत ध्यान रखा करो, अगर ऑलरेडी माइनस हो तो फिर वो प्लस हो जाता है ना एवरीवन। चलो आगे बढ़ो, आपको चाहिए ए सी, तो फिर से सी माइनस ए, तो सिक्स माइनस माइनस टू, माइनस थ्री माइनस वन, सो माइनस थर्टीन प्लस वन, ठीक है, ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, सो माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एट आई कैप माइनस फोर जे कैप माइनस ट्वेल्व के कैप। गॉट इट? अब आपने देखो कंपैरिजन मारना है, आपको एक चीज़ तो दिख रही है, यहाँ से फोर आप कॉमन ले लो, रादर माइनस फोर कॉमन ले लो, तो ये क्या बन रहा है? माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप, ओके, प्लस थ्री के कैप, सेम हो गए दोनों, ठीक है। तो क्या बताऊँ मैं इसके अंदर, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा आ गया मेरा माइनस वन बाय फोर इफ आई कंपेयर,
अरे माइनस फोर का है रे, माइनस वन बाय फोर आएगा ना, क्योंकि यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। लैम्डा इज माइनस वन बाय फोर। कितने बच्चों को चमचम हो गई है चीज, एक बार चैट पढ़ रही हूँ तुम्हारी, बताओ। नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। इशारा मिला कि नहीं? यस, सुपर्ब सुपर्ब, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की। तो सिंपल सिंपल करेंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है, ज़्यादा नहीं और कुछ करेंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? नाम में ही काम है। क्या आपने एक ट्रायंगल क्रिएट किया और मैंने कहा कि इफ टू साइड्स, टू कंजेक्यूटिव साइड्स से मेरे वेक्टर्स डिनोट हो रहे हैं, ए बी एंड बी सी गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन उसका सम या दूसरा वर्ड जो आपके बहुत यूज होगा, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देख रहे हो, यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में नहीं जाना, उल्टे हो जाना है। यस ऑर नो, है ना? यस ऑर नो, ठीक है। एंड इसका मतलब एक और भी है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊं, तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यार माइनस ए सी को अगर मुझे प्लस में लिखना है तो मैं इसको सी ए लिख सकती हूँ। याद है ना मैंने बताया था कि अगर वेक्टर उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी अगर मैं सेम डायरेक्शन में करूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इस चीज़ को याद कर लो, या एडवांस तक काम आएगी ये चीज़। यस और नो? आए हाय, आए हाय हाय, हो गया क्वेश्चन हाय। देखो ए बी सी आर आपको ट्रायंगल की वो दे रखे हैं, ए बी एंड ए सी दे रखा है, बी सी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे? देखो जरा, आपको मैंने कहा ए बी और ए सी दे रखा है, तो मान लो ये ए बी है एंड ए सी भी दे रखा है, ए सी, ये ए सी है, बी सी फाइंड करना है। तो आपको ये दिख रहा है ना ट्रायंगल लॉ, ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। तो यानी बी सी क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए सी क्या है, माइनस आए माइनस सिक्स जे प्लस सेवन के, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अपना ए बी वेक्टर जो है सिक्स आई कैप प्लस सेवन जे कैप प्लस के कैप, तो माइनस माइनस, तो माइनस सेवन आई कैप जो इसके पास भी है और इसके पास भी है, माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस तेरह हो गया, ये तो माइनस सिक्स माइनस सेवन, अच्छा, और सेवन माइनस वन जो कि सिक्स हो गया। अरे ये तेरह क्यों हो गया, ये सही लिखा है ना? ये देख लेती हूँ एक बार, ए सी इज माइनस आई माइनस सिक्स जे प्लस सेवन के, दिस इज सिक्स आई कैप प्लस सेवन जे प्लस के कैप। अयो ये तो माइनस थर्टीन जे होना जी, वन डी कह रहे हैं बच्चे, कैसे, कहीं तो थर्टीन आना चाहिए। देख लूँ एक बार ही, कोई माइनस आई माइनस सिक्स जे सेवन के, सिक्स आई प्लस सेवन जे, तो माइनस सिक्स, ये देखो ना यार माइनस सिक्स आए माइनस सेवन जे, माइनस थर्टीन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर देते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं, माइनस थर्टीन जे कैप होना चाहिए, ठीक है, माइनस थर्टीन जे कैप होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे भी ये चेंज करेंगे, ये माइनस थर्टीन जे कैप होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग को चमक गया, आज स्लाइड वाले भैया की पिटाई है, ठीक है, आज स्लाइड वाले भैया की पिटाई है। चलो आई थिंक बट समझ में आ गया आप लोग को, ओके। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है, बना तो देखो, ये डिराइव तो ट्रायंगल लॉ से ही होता है, पर बहुत ही छोटी सी बात करता है। क्या उसमें मैंने कहा था इफ
two vectors are represented by two sides of a triangle in the same order, then the sum or the resultant is given by the third side. बाप रे, इतनी अंग्रेजी नेहा मैम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट मींस एक ये भी चीज है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर कोइनिशियल होते हैं जिनको हमने ऐड करना है, तो इनका रिजल्टेंट या इनका सम कैसे दिया जाता है, बाय द डायगनल जो भी कोइनिशियल होती है, यानी सेम ये वाली डायगनल नहीं, इन्हीं में से जो ऐसे निकली है, समझ रहे हो, ऐसा सीटी मार के निकली है, ये चीज चमकी. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला यार देखो दो साइड्स दे रखी हैं, 2i cap माइनस j कैप प्लस 3k cap, ठीक है, एंड ये दे रखी है माइनस 5i cap प्लस j कैप प्लस 4k cap, एंड लेट्स से ये दिया हुआ है ए बी एंड सी कोइनिशियल है, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रही हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हम देंगे यहां से which will be sum of vector AB plus vector AC, same point से. फिर से बोल रही हूँ वो कई बार ये addition या sum use करने की जगह resultant मांगते हैं, तो समझ जाओ, ठीक है, समझ जाओ क्या आएगा इसका answer, ये समझ के बताओ मुझे. आप बोलोगी resultant क्या आएगा, add कर लो ना इसे 2i cap minus 5 minus 3i cap minus एंड ये plus add किया तो 0j cap, ठीक है, 3 cap प्लस 4. सच्ची सच्ची कह दो अगर तुमको ये समझ में आ गया है तो एक बड़ी सी एक स्माइली बना दो, ठीक है, यस और नो. सो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, then the resultant is given by its diagonal from the same point. ये रबड़ी textbook की sound करती है ना, so not Neha ma'am like, है ना जी, चलिए superb, but समझ तो आ गया ना. हाँ चलो कुछ property कर रही हूँ, जैसे कि a plus b या b plus a, मैं vector को किसी भी तरीके से add करूँ वो same ही आएगा, वैसे ही एसोसिएटिव तीन वेक्टर दे रखे हैं, मैं a प्लस बी को c में ऐड कर दूं या b प्लस सी पहले करके उसको a में ऐड कर लूं, एक ही बात है. कुछ और चुटर पुटर प्रॉपर्टीज, क्या इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि वेक्टर सेम ही हो, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बुलाते हो, है ना, अच्छा मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, उसी का नेगेटिव, है ना, तो माइनस ए को हम एडिटिव इनवर्स भी बुलाते हैं, डन. एंड ए प्लस बी एंड बी प्लस ए अगर जीरो हो तो यानी बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बहुत ही चिटरी पुटरी सी बात है. ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विद अनदर वेक्टर इज दिस. ओ नेहा मैम समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो, एक मेरा वेक्टर है ऐसे जा रहा है कुछ, ठीक है, मैंने बोला यार थ्री टाइम्स वेक्टर ए निकालो, कुछ नहीं करना, थ्री एक नंबर है हर एक से मल्टीप्लाई कर देना, 6i cap माइनस 3j cap प्लस 12k cap, मतलब क्या हुआ कि यार ये वेक्टर तमीज से ऐसे जा रहा था तो ये वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन तीन गुना होके 1 2 3. अब मान लो यार ये तो बोर्ड तोड़ वेक्टर बन गया, बोर्ड ही तोड़ना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, पर तुम भावनाओं को समझो कि इसके 3 times बन गया, समझ रहे हो, इसे क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, है ना, यस. लैम्डा वेक्टर ए इज कोलिनियर टू वेक्टर ए, ऑब्वियसली पैरेलल है ना, पैरेलल चल रहा है. अच्छा ओके, यहां देख लो, आपने बोल तो दिया नेहा मैम लेकिन अगर 3a की जगह -3a कर देते तो मैग्नीट्यूड भी ट्रिपल हो जाता है एंड डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है,
समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है, अगर आपका लैम्डा इज पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर लैम्डा इज नेगेटिव तो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ऑपोजिट, ठीक है ना, एज दैट ऑफ वेक्टर ए. और मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए में क्या रहेगा? कुछ नहीं यार, मैंने आपसे पूछा, देखो आप सारे के सारे बच्चे ना मैग्नीट्यूड निकाल के देंगे, वरना मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खेल रही. खाना क्या है दोस्तों? आई माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप. मैंने बोला यार थ्री टाइम्स वेक्टर आर दो, वरना मैं नहीं खेलूंगी. इसका मैग्नीट्यूड बताओ. तो इसको देखने के दो रास्ते हैं दोस्तों, या तो आप रास्ता नंबर एक चुने या रास्ता नंबर दो चुने. रास्ता नंबर एक कहता है कि यार थ्री टाइम्स सबको कर दो और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो थ्री स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, नाइन स्क्वायर, एंड आंसर जो भी आ जाएगा, 81 एंड 9 90 होता है, रूट 126. गॉट इट? रास्ता नंबर दो क्या कहता है मेरी जान? ये तो रास्ता नंबर एक था. रास्ता नंबर दो है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री, तो क्या थ्री तो है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड आर का क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर प्लस क्या हो गया ये, अरे नाइन, तो ये क्या हो जाएगा, 14, थ्री रूट 14. कहीं ये वही तो नहीं? देखो जरा, अगर आप इसको अंदर डालोगे तो ये 9 इंटू 14 करोगे ना, चेक कर लो, 4 नाइन जा, सॉरी 9 अंदर बाय 1, मज़ेदार था ना? ऑब्वियसली ये रूट नंबर 2 ज़्यादा आसान है, मतलब आपने बस एंड में उस सेल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके आंखों आंखों में ही हो गया ये तो क्वेश्चन. ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये सब सॉर्टेड है. ये सब, ये माँ ऊपर क्यों उड़ रही है बेटा, पता नहीं. चलो इसका जवाब दो झटपट, इसका जवाब दो झटपट, करो नहीं तुम खटपट. चलिए, ओके, लेट्स सी इसको बच्चे कितने करते हैं. वेक्टर ए भी, वेक्टर एम इज अ स्केलर विद एम लेस देन जीरो, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू वेक्टर ए. ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं. चलिए, यूनिट वेक्टर को आप थोड़ी सी इज्जत ज्यादा देते हुए पढ़ेंगे. मैंने पहले ही कह दिया था ना, ये हमारा क्या है, बादशाह. ओ बादशाह, मतलब यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है यूनिट वेक्टर. तो इसको जरा प्यार से समझ लेते हैं. एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर कब बोलते हो, एक तो ए कैप होता है एंड इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो निकालें कैसे, ऐसे. वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए से आप यूनिट वेक्टर निकालते हो जो कि ए कैप के बराबर होता है. इन केस यू वांट टू नो कि नहीं नेहा मैम ये हुआ कैसे, ठीक है, मान लो मैंने आपका वेक्टर ए लिया, मैंने बोला 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, और मैंने बोला चेक कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं. तो आपने बोला ठीक है यार मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. नेहा मैम वो तो हमें सिखा ही दिया था आपने लेना, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, एंड जी बढ़िया तरीके से रूट 35 आ जाता है. ऑब्वियसली रूट 35 कोई 1 थोड़ी ना है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपने इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यानी आप अगर हर एक नंबर को रूट 35 से डिवाइड कर दो. देख विनोद, देख क्या हो रहा है, आप हर एक फैक्टर को रूट 35 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, तो क्या होगा. अब आप मान लो ये कोई वेक्टर बी है, मुझे नहीं पता यार ये ए कैप शे कैप क्या है, मान लो ये है. अब इसका मैग्नीट्यूड लेके देखो जरा क्या हो रहा है. मैग्नीट्यूड 3 अपॉन रूट 35, तो 9 बाय 35 बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 बाय 35, यहाँ पे क्या बोलेंगे 25 बाय 35, एंड ओवरऑल क्या बोलेंगे इनका एलसीएम लेने के बाद 1, एंड यू आर डन. ये इसका लॉजिक है ना. तो फॉर्मूला खाली रटना नहीं है, समझना है कि यूनिट वेक्टर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड
क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया तो हर एक वेक्टर आई जे के का कंपोनेंट मिला के आपको वन दे देगा। यस, आइए क्वेश्चन करो, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंखें फाड़ के। एंड ये इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे चाहिए ढेर सारा प्यार। आई वॉन्ट टू सी 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो ताकि मैं ये शेयर कर सकूं। एंड कल का टॉपिक तुम्हारा और धाकड़ होने वाला है, स्ट्रेट लाइंस, बिल्डिंग ब्लॉक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मिस मत करना। चीयर्स विद पानी। चलो, उसने कहा वेक्टर ए, उसने कहा वेक्टर बी, हमने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी सारे के सारे बच्चे स्पैम करेंगे अभी के अभी चैट सेक्शन में, कुछ भी नहीं है, इनको ऐड करना है। 4i कैप, इसके पास 2j कैप है, इसके पास भी है प्लस 3j कैप, इसके पास कुछ नहीं है तो मैं इसको 0k कैप लिख सकती हूँ, तो 3k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, 16 + 9 + 9 = 25 + 9 √34, एंड हर एक को इससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, हर एक को इससे डिवाइड कर दोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, राह में उनसे मुलाकात हो गई। ठीक है, 4 √34 i कैप प्लस 3 √34 j कैप प्लस 3 √34 k कैप। डन डना डन, वेरी गुड बेटा, मज़ा ही आ गया यार मुझे तो, सच्ची कह रही हूँ, बहुत मज़े आ गए। ठीक है, चलो अब ज़रा बताओ, ये करके दिखाओ, पहले ये, चलो ये करके दिखाओ। एंड यहाँ पे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ईमानदारी से बताना कि कितने सेशंस और कितनी डीपीपी साथ साथ कर रहे हो मेरे, ईमानदारी से बताओ, ये 100 मिनट्स डेली डोज बेसिक्स में कितने सेशन वाला कितने वीडियोस देख चुके हो एंड कितने डीपीपीस कर चुके हो, सच्ची सच्ची बताओ। वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, अब ये क्या है, नल वेक्टर है, नल वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा और डायरेक्शनली भी कुछ नहीं होगा। यूनिट वेक्टर है, इज इट पैरेलल टू आई प्लस जे प्लस के या इट इज़ अ वेक्टर पैरेलल टू दिस, तो थोड़ा सोचिंग करना पड़ेगा हमें। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिया, अगर मैंने बोला ये वेक्टर आर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका क्या करें, सेकेंड वाला यानी कि यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर कैसा है बेटा देख तरह, क्या करूं मैं इसका, कैसे पता लगाऊं, आप ये कह रहे हो ये साइन स्क्वायर, ये अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है ये कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं तो ये 1 + sin² β है, लेकिन इससे मुझे कैसे मिला ये यूनिट वेक्टर। काफ़ी सारे बच्चे मुझे बी आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या बात है, लेट मी सी, लेट मी सी कितने बच्चे इसका आंसर डायरेक्टली दे रहे हैं। अरे यार सॉरी, वही मैं सोचू कैसे आ रहा है भाई, गलत लिख दिया, ये कॉस अल्फा ही था, ये कॉस स्क्वायर अल्फा होना था, और फिर तो आसान है, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो 1 होगा, एंड यहाँ से भी साइन स्क्वायर अल्फा, अरे हाँ ये तो 1 ही है। मैं सोच रही हूँ मेरा आंसर आ नहीं रहा, बच्चे झटपट बी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि नेहा मैम यहाँ साइन लिख दोगे तो ऐसा कैसा चलेगा जी, है ना, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ रही हूँ जो है सेक्शन फॉर्मूला। देखो 2D में आपने पढ़ा होगा, वैसे स्ट्रेट लाइंस में जब कल करवाऊंगी तो और डिटेल में करवाऊंगी, बट इसको थोड़ा सा समझो आप,
इट इज़ लाइक कि आपने आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं जिनकी पोजिशन वेक्टर भी दे रखे हैं ओ ए एंड ओ बी, एंड आपने एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इफ़ इट इज़ स्प्लिटिंग इट इन द रेशियो एम एस टू एन. सिंपल याद करने का तरीका, सब के सब लिखेंगे क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस. ये तो सिर्फ जोड़ने के लिए था, करना सिर्फ तुमने क्रिस क्रॉस ही है. क्या? क्रिस क्रॉस द एप्पल सॉस, यानी कि इसका अगर वेक्टर ए है, इसका वेक्टर बी, आपने क्रिस क्रॉस मारना है. एम के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, एन स्केलर के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है. तो एम बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, अगर ये डिवीजन इंटरनल है, इंटरनल मतलब घर का भेदी लंका ढाए, अंदर ही फूट डाल दी तुमने, अंदर ही सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया. लेकिन अगर ये फूट बाहर की है, यानी इफ इट्स एन एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, तुम्हारा अच्छा खासा यार ए बी चल रहा था, मस्त मूड में थे तुम, एंड ये एक एक्सटर्नल पॉइंट आया सी और इसने धो डाला, हुआ यही है. क्या? ये एम है, ये एन है, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स भी वही है. तो यार क्रिस क्रॉस और एप्पल सॉस तो यहाँ भी होगा, ठीक है, मान लो एम एस टू एन में कह रहे हैं, तो एम बी माइनस एन ए, ठीक है, अपॉन एम माइनस एन. क्यों? एम माइनस एन करोगे तो ए बी मिलेगा ना, एम माइनस एन करोगे तो ए बी मिलेगा. जैसे इस केस में एम प्लस एन किया तो पूरा ए बी मिला. तो क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस से बहुत आराम से इसे उड़ा सकते हो. एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन टू ही कर दिया. इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं, थोड़ू थोड़ू समझते हैं. एवरीबडी लेट मी सी इसे कितने बच्चे कैसे कैसे उड़ाते हैं. लेट्स सी बच्चों, कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी विथ पोजिशन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी. फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग इन द रेशियो 3:2. अगर आपको नहीं पता, एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं दे रखा, आप इंटरनल ही मान के चलते हो, ठीक है, तो ये है क्या, ओ एंड ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, एंड मान लो ये सी है. सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है. ओके, बी टू ए प्लस बी, ठीक है. नाउ आई हैव टू गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर सी, जिसको मैं ओ सी लिख सकती हूँ. और आपने फिर से एक बारी गाना गाना है, क्रिस क्रॉस और एप्पल सॉस, ठीक है. तो क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस करते हुए दोस्तों क्या करें हम, 3 ये प्लस 2 ये एंड अपॉन 3 + 2. अभी क्या होगा, आप देखो ये 6 ए आ जाएगा, ये 8 ए आ जाएगा, तो 14 ए क्या आप लिख दो, प्लस ये 3 बी आ जाएगा, ये -4 बी आ जाएगा. ठीक है, 3 बी - 4 बी अपॉन 5. इन्नी सी तो बात है ना, इन्नी सी तो बात है. तो क्या आंसर आ जाएगा, ये सब सही जा रहा है ना. 3 + 2, कंसिडर दिस पोजिशन वेक्टर, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी विच डिवाइड्स अ लाइन जॉइनिंग ए इज टू बी इन द रेशियो 3:2, ठीक है. हाँ ये रहा. एंड अगर मैं यही डिवीजन तुम्हें बोल देती, ये तो इंटरनल है ना, कुछ नहीं दे रखा, तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होगी आपकी, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में बीच में माइनस कर देना है. ठीक है, 3 - 2. बेटा एक बार ही आपके बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो फिर जेई के क्वेश्चंस के लेवल पर पहुंचना आसान हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 6 - 8, तो -2 ए. ये क्या आ जाएगा, 3 बी + 4 बी. 3 - 2 तो वैसे ही 1 है. तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको डिविजन्स पता चल गई हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया था, हमने दोनों निकाल दिए.
ठीक है जी, हमने दोनों निकाल दिया, या तुम लोग लाइक ही नहीं कर रहे, मैं नहीं फिर आगे बढ़ूंगी, ऐसे नहीं होता। अब मैं फाइनली आप लोग का देखो हमने क्या किया, हमने एडिशन कर दी वेक्टर्स की, हमने डिवीजन सीख ली, सॉरी हमने एडिशन सीख ली, हमने सब्ट्रैक्शन सीख ली, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख ली, फाइनली वी आर टेकिंग प्रोडक्ट। तो आज के सेशन में सिर्फ हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे जैसे जेई लेवल पे जाओगे वहाँ पे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी देख सकते हो। तो ये मैंने अपने ही नोट्स लगा दिए समझाने के लिए, वैसे मैं ब्लैंक स्लाइड पे एक बार फिर भी समझा देती हूँ। तो देखो जी, आपका जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ ना, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, मैं एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस पे ले लेती हूँ ब्लैंक स्लाइड पे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड बिल्कुल बेसिक चीजों से आपको करवा देती हूँ। दो प्रकार के आपके प्रोडक्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। तो बेटा एक एक करके सीख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब आपने क्या किया, आपके पास एक वेक्टर ए है एंड दूसरा कोइनिशियल वेक्टर बी है एंड दोनों के बीच का एंगल लेट्स से थीटा है। तो आप कैसे लेते हो, ए डॉट बी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें सीख लो, इसके बाद सवाल लगाएंगे। ओके, अब इसी को अगर मेरे को कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, लेट्स से मुझे दे रखा है ए डॉट बी, ऐसे कैसे दे रखा है, जरा यहाँ पे वेक्टर ए मेरा दिया हुआ है, मान लो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड माय वेक्टर बी हैज़ बीन गिवन एज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। देन इन दैट केस ए डॉट बी आप बेसिक मल्टीप्लीकेशन करते हो कॉम्पोनेंट वाइज, ठीक है, कैसे ए वन बी वन ए टू बी टू एंड सबको आपस में ऐड कर देते हो ए थ्री बी थ्री। चमका ये सोनू, चमका कि नहीं चमका, है ना, ओके। थर्ड चीज आपकी है यार कि मैं ए डॉट बी कर लूं या बी डॉट ए कर लूं, दोनों बराबर हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ओ बाबा उड़ी बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं क्रॉस को थोड़ी देर के लिए हटा रही हूँ, राइट, मैं आगे लेके जा रही हूँ। ये चीज तो हो गई। दूसरी चीज, अगर मुझे ए डॉट ए पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दोनों के बीच में है, दोनों ओवरलैपिंग है, कॉस जीरो ही होगा जो वन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है। यानी इसी का एक बेसिक वाली चीज अगर लूं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, सबके सब वन होता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर तो वन ही होगा ना, यस और नो, समझते जाओ इन चीजों को, क्वेश्चंस पे आ रही हूं, आगे बढ़ रहे हैं। ए डॉट बी अगर जीरो है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का जीरो है, यहां से तीन रास्ते जाएंगे, या तो आपका वेक्टर ए जीरो है ना, या आपका वेक्टर बी जीरो है, लेकिन मैंने बोला दोनों नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज इनके बीच का एंगल कॉस थीटा जीरो है, यानी थीटा 90 डिग्री है, यानी कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड ये बोथ वेज चलेगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए परपेंडिकुलर टू बी कहते हैं एंड ये प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। एंड ये तो बेटा ऐसा है, टैटू करवा लो इस रिजल्ट को, टैटू करवा लो इस रिजल्ट को, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यस और नो, सुपर। आप बेटा जेई एडवांस के सेशन देखना चाहते हो अभी से, तो
tinyurl.com/jeeviwithnehamam जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस PDF में स्क्रॉल डाउन करोगे आपको एंड में एडवांस ओरिएंटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे एडवांस एक्सक्लूसिव थ्योरी और उसके क्वेश्चंस हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाट आई हैव, तो यानी i.j, j.k, k.i सब के सब जीरो हैं। क्यों? क्योंकि i, j, k कैसे होता है, x एंड y एक्सिस जो होती हैं उसी पे आते हैं ना, i कैप एंड j कैप आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। एंड फाइनली इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो देता है प्रोजेक्शन। नेहा मैम, प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन एनदर, यानी कि मूवी देखने जाते हो ना, मूवी देखने जाते हो कि नहीं, तो पीछे से ऐसे एक प्रोजेक्टर होता है, वो फैल जाता है, उस पर सारी स्क्रीन पे मस्त मूवी दिखती है ना, अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन का नाम लिख दो। तो ये जो मस्त हीरो हीरोइन दिखते हैं ना इस येल्लो वाली स्क्रीन पे, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए डॉट बी जिसके ऊपर आता है उसको लिख देते हो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अगर मैंने पूछा होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप करते बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको सेव करना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले लो। वैसे मैंने सब कुछ नोट्स में भी लगा रखा है, ठीक है। मुझे बताओ यार, आदि पुरुष कैसे है, देखने लायक है कि नहीं है? ठीक है जी, चलिए इसे सेव कर देते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, वेक्टर्स, ओके। चलिए अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ आपको, फिर आगे की बात करेंगे। ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए डॉट बी का पता लगाओ। ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ए डॉट बी का पता लगाओ। सारे के सारे बच्चे इधर आओ और ए डॉट बी का पता लगाओ। लेट मी सी ओवर हियर, हाँ जी बिल्कुल। तो ए डॉट बी मतलब ये तो वो कॉम्पोनेंट वाइज दे रखी है, तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 3 × 7 = 21, ठीक है, 35। गॉट इट, वेरी नाइस। चलिए, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If two vectors are perpendicular to each other, and ये zero vector नहीं है, वरना zero आए, zero j, zero k होता ना, तो in that case dot product zero होता है, and hyper important चीज़ है भैया, tattoo करके ना मुझे भेज देना, telegram group पे अलग से share कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लिखोगे ये vector a मान लो इसको, इसको vector b मान लो, तो इसका मतलब a dot b आपका zero हो जाएगा, यानी 2 × 3 − 1 × λ + 2 × 1 = 0, 6 − λ + 2 = 0, यानी कि लैम्डा तुम लोग का 8 आ गया है। मजे आए? आए ना, आए ना। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक बार ही पूरी फोटो लगा देती हूँ आपकी। हम प्रणित बनर्जी कह रहे हैं, व्हाट्स योर लेक्चर्स इन नॉन आईटी खड़कपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या नाम बताया सर? प्रणित बनर्जी। प्रणित, वेल डन प्रणित यार, सो प्राउड ऑफ यू। सर ये दे दे, ओके। चलिए आप इसको भी, क्रॉस प्रोडक्ट का भी बेसिक्स एक बार ही कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं आपकी यहाँ पे फिर से नोट्स खोलती हूँ, ठीक है। किधर गया, इधर गया तू, उधर गया जाने कहाँ तू, किधर गया। वेक्टर्स ढूंढो बेटा, वेक्टर्स किधर रखा है बेटा मोंटू। चलिए तो ये तो था जी आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं कर रही हूँ
आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो कि देगा हमें एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको भी इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चा पिंक से लिखें, गुलाबी आंखें, ठीक है। ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी, एंगल थीटा ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा लेते हो, दूसरी चीज टू एन कैप, और एन कैप तो ओए होए होए बेटा जी, इसकी तो आरती उतारो, इसको तो मतलब सिर पे चढ़ा के रखो, इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट वेक्टर। एन कैप देखो यूनिट वेक्टर तो है, तभी मैंने टोपी बनाई है उसे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये चीज़ ना लिख लो, 3D ज्योमेट्री में भी इतनी काम आएगी तुम्हें, मैं बता नहीं सकती। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। अब इस चीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, यानी आपस में बराबर नहीं होते, क्यों? डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब अगर आपने जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐसे यू कर्ल योर फिंगर्स, डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए मतलब उल्टा कर रहे हो तो डायरेक्शन नीचे आ रहा है, ए समझ रहे हो, ठीक है। सो दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस जिद्दी, ये उल्टा है ना, समझो बाबा, ठीक है जी। अच्छा मुझे अगर कॉम्पोनेंट वाइज लिखना हो, सुनाई देते है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कॉम्पोनेंट फॉर्म में मुझे लिखना है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैसे मैंने आपके साथ अभी डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक्स हैं आपको वो सेशन देखना पड़ेगा। बेसिकली आप A1, A2, A3 ऐसे लिख दोगे, B1, B2, B3 ऐसे लिख दोगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके अपना आंसर दे दोगे, ठीक है। मैं इनफैक्ट एक पोल लगा रही हूँ, तो कल तो अपन का स्ट्रेट लाइंस होगा, नेक्स्ट क्या चाहिए? मैं लगा रही हूँ पोल, तब तक एक सेकेंड, मेंट उमा बयुमा ब्लंका, ओके। अच्छा दूसरी बड़ी चीज क्या, कि अगर आपका ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर के बराबर है एंड ए एंड बी नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्यों? साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना, यानी या तो ओवरलैप कर जाएंगे या एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, इन दिस केस आपका आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के, ठीक है, या के क्रॉस आई, ये निकालने के लिए अभी आपको एक अलग से चीज सिखाती हूँ, उससे पहले ये देख लो, I क्रॉस I, J क्रॉस J या K क्रॉस K, तीनों के तीनों आपके जीरो होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो हो गया ना, तो साइन जीरो के कारण सब जीरो है ना, साइन जीरो के कारण सब जीरो, ये लाइक वाइक नहीं पढ़ रहे, PDF नहीं मिलने का ऐसे करोगे तो। जल्दी से बेटा, जल्दी से एक काम करो, चलो अब I क्रॉस J और J क्रॉस K, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तो I, J, K ऐसे लिख रखा है, तो लेफ्ट में कर देती हूँ, I, J, K ऐसा लिख रखा है ना। अब कहते हैं ना दुनिया वाले कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यानी कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द क्लॉक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आएगा तो अगला वाला और पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। जे क्रॉस के नेक्स्ट क्या दे देगा, आई कैप दे देगा, एंड के क्रॉस आई आपको जे कैप दे देगा। लेकिन तो ये सब के सब तो पॉजिटिव जा रहे हैं क्योंकि ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं जो तूने छेड़ा ये भी है टेढ़ा, क्यों? अगर आप उल्टे गए यानी आपने क्लॉक की इज्जत नहीं करी तो सारी जिंदगी में आपकी नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी छाएगी दोस्तों,
यानी जे क्रॉस आई, वैसे भी हमने ये चीज करी थी कि बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, के क्रॉस जे देगा तो आई लेकिन माइनस आई क्रॉस के, समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक स्माइली दिख जानी चाहिए बढ़िया वाली इन द चैट सेक्शन। यस, ओके। एंड फाइनली तो ये आपका पॉइंट क्या था, ये आपका पॉइंट नंबर, अरे हाँ अच्छा, इसमें पॉइंट वन फाइव फाइव तक था ना, तो इसको हम सिक्स लिख देते हैं। एंड फाइनली आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ज्योमेट्रिकली यार ये क्या देता है, अगर मैं ए क्रॉस बी का मॉड ले लूं, सो दिस गिव्स अस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऐसा वेक्टर है ए एंड बी दे दूँ, ए क्रॉस बी ले लूँ, इस पूरे का एरिया दे देगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो वो हाफ ऑफ दिस ए क्रॉस बी हो जाता है, क्योंकि एक ट्रायंगल की डायगनल ऑब्वियसली उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही कट करती है, राइट? यस। एंड फाइनली अगर मुझे डायगनल्स दिए हो बाय चांस, बाय चांस इसके डायगनल्स के वेक्टर्स दे रखे हों, तो इस केस में आपका एरिया आप डायगनल से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो हाफ ऑफ डायगनल वन क्रॉस डायगनल टू होते हैं। वेरी नाइस बच्चों, सुपर्ब। ठीक है जी, तो आगे बढ़ जाएं। आई होप ये चीज हमें समझ में आ गई है। हाँ जी प्लीज बेटा सेव कर दो, थैंक यू। अरे कितनी बार नाम लिखवाओगे, ओ हो 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 हो। ठीक है जी, चलिए यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखो मेरे को लगा फिर भी मैं चलो अपने स्टाइल से अलग से भी एक बारी करा दूँ आपको, करेक्ट है? ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं तुम लोग के लिए। क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस ए। बेटा दो वेक्टर्स हैं जो सेम ही हैं, क्रॉस पूछा है तो जीरो ही होएगा ना, क्योंकि आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन जीरो इंटू एन क्या, बस एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये साइन जीरो ने सबको जीरो कर दिया। चलिए नेक्स्ट वाला ये बताओ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना। देखो इसकी डेफिनेशन यूज करूं, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ एन कैप, अरे ये तो यूनिट वेक्टर है, इसमें तो वन ही होना है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बॉस ये दोनों कट गए हैं, मेरे पास क्या आ गया, टैन थीटा इक्वल टू वन। अब आपका जो एंगल होता है वो नॉर्मली जीरो से 180 डिग्री में ही दिया जाता है, तो मैं 45 डिग्री दे रही हूँ और बच्चे भी खुशी से नाच रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हम कह सकते हैं इट्स अ रैप, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने तगड़े तरीके से कवर अप कर दिया है, राइट? इसके बाद आप अपनी जर्नी में और आगे जाना चाहते हो जे लेवल तक, देन यू मस्ट क्लिक ऑन दिस tinyurl.com/jeeviwithneha mam, जो इस प्रकार का PDF है, ठीक है। तो आप स्क्रोल करके सीधा वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री पे आ सकते हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। सबसे पहले तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स वाला सेशन ऐसे क्लिक करोगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के, जो भी एक्स्ट्रा मेंस के एडवांस के कॉन्सेप्ट्स है वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, अलॉन्ग विद आपके ईयर वाइज PYQs। NTA अभ्यास का काफ़ी बच्चे कहते हैं ऐप नहीं खुलता आजकल, कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस लगा रखे हैं, सॉल्व कर रखे हैं, तो जाओ इनका फायदा उठाओ। दैट इज हाउ आपको आपकी तैयारी में आगे बढ़ना है।
अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आपको ये PDF चाहिए ठीक है, देन यू हैव टू हिट द लाइक बटन अभी के अभी सभी के सभी, एंड सर एंड आपका अगला सेशन भी जो है वो रिलीज किया जा चुका है, विच इज आपका स्ट्रेट लाइंस फॉर टुमारो 9 PM. तो मैं अभी यहीं पे पिन करा देती हूँ. एक तो आपने यहाँ पे लाइक करना है, क्योंकि यार लाइक बनाओगे तो मेरे लिए भी मोटिवेशन बनी रहेगी. इस वक्त एक पोल लगा रखा है, फटाफट से उसको करो. सर पिन कर दो. ओके मैम, कल का सेशन है. हाँ जी, तो वैसे इस वक्त जो बिगनर्स प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे, इस पर पूरा जो आपके सेशंस होते चले जा रहे हैं सारे लगते जा रहे हैं, तो सारे आपको 21 दिन के चैप्टर्स यहीं मिलने वाले हैं. एंड यहाँ के लिए भी फटाफट से मैं चाहती हूँ सारे के सारे बच्चे जाके स्ट्रेट लाइंस को नोटिफाई मी कर दें एंड लाइक कर दें वीडियो को. एवरीबडी, सभी के सभी ये काम डेफिनेटली अभी के अभी करेंगे. चलो करके मुझे डन बोलो. जैसे ही इस पे 100 लाइक्स आ जाते हैं, एक तो करंट वीडियो पे मुझे 1000 चाहिए, एंड कल की वीडियो पे जैसे ही 100 लाइक्स तुम्हारे आ जाते हैं, तुम्हारे आज के सेशन की DPP शेयर कर दी जाएगी. एंड वंस अगेन इस बात को शायद रिपीट करते हुए तुम सुन रहे होगे, मुझे भी बोलते हुए अजीब लगता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि क्योंकि आप कंटेंट इतना फ्री में देते हो ना, तो शायद कुछ बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेते. क्योंकि भैया जब पे करोगे तभी आप पूरी अटेंशन के साथ पढ़ सकते हो, एक पेड कोर्स ही आपको पहुँचा सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन. मटेरियल पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा टाइम टेबल दे रखा है, बेसिक से वापस पढ़ाना शुरू कर दिया है, सब कुछ ऑलरेडी है, एंड आगे भी मेहनत करती रहूँगी. अब आप उसका कितना फ़ायदा उठाते हो, कितने आप DPP को रेगुलरली सॉल्व करते हो, कितने क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप कितना फोकस्ड होके पढ़ते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो ये चैनल फ्री है, लेकिन इसके अंदर इस तरह का कंटेंट है कि आज भी इसको एक कोर्स बनाकर पेड कर दूं, तो आई एम श्योर आप में से ही बहुत सारे बच्चे उसको लेंगे, इतना तो मुझे भरोसा है. बट आई वॉन्ट टू कीप इट दिस वे फ्लोइंग एंड फॉर फ्री फॉर यू गाइज. बट उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, जो पैसे के रूप में नहीं. आई वॉन्ट यू गाइज टू सपोर्ट द चैनल बाय हिटिंग द लाइक बटन व्हेन यू लाइक. कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो 100 मिनट्स बेसिक्स वेक्टर्स डन, एंड अपने जूनियर्स को ज़रूर बताओ. राइट, तो यहाँ पे फटाफट से अभी के अभी सारे के सारे बच्चे यहाँ पे, आई थिंक आपके लिए पिन कर दिया गया है कल का सेशन. हैंग हो गया है क्या, उसको जाके फटाफट से लाइक कर दो. देखो सेशन भी अटक जाता है, वो कहते हैं बच्चे प्यार नहीं देते. तो कल का सेशन यहाँ पे पिन हो चुका है आपकी लाइव चैट में, फटाफट से उसको लाइक करके एंड डन बोल दो, एक बार डन बोल दो, ताकि इसी तरह आप लोगों के लिए काम करने के लिए यार मेरी भी मोटिवेशन उतनी ही ऑन रहे. एवरीवन लेट्स डू दैट. एंड आज का सेशन आपको कैसा लगा, किस तरह का मतलब आपको फीलिंग आई कि हाँ यार आसान लगा, मुश्किल लगा, जो भी आपको अच्छा लगा उस चीज़ में ये ज़रूर बताना. जब आप कमेंट्स में हार्ट्स वगैरह और प्यार दिखाते हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यार, सो मेक श्योर यू डू दैट. बाकी आपका कोई फीडबैक है तो मेक श्योर टू शेयर दैट इज़ वेल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जहाँ पर बकवास चीज़ें नहीं शेयर होती. सिंपल सी बात, एक तो आपकी आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी जाती हैं, कूल, ताकि फॉर ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस, एंड इसके फाइल सेक्शन में जाते हो तो आपको सारी की सारी पुरानी DPPs भी एकदम स्टैक्ड वे में मिल जाती हैं. सो इट इज़ ओनली फॉर फोकस्ड एंड सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिकली इंक्लाइंड. ठीक है, ये काम जल्दी से करिए. DPP चाहिए तो इस वीडियो पर प्यार दिखाओ एंड यहाँ पर लाइक करके डन करो फटाफट से. ठीक है जी, चलिए जी फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. कल के सेशन पे 100 लाइक्स होते ही DPP शेयर कर देते. तो कल के सेशन पे जैसे सर ने आपको बताई दिया, जैसे ही आप 100 लाइक करेंगे सर आज ये सेशन का DPP शेयर कर देंगे. ठीक है,
चलो, एंड आज का पीडीएफ भी आपको ये जैसे ही वीडियो ज़्यादा लाइक्स क्रॉस करती है, यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इसमें सारे मेरे हैंड रिटन एनोटेशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो भी मतलब हम लोग लिखते रहते हैं, एवरीथिंग यू विल फाइंड। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी, आई एम श्योर आप लोग ये काम कर दोगे, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो अगेन। टेक केयर एंड बाय बाय।